कृष्ण के बलदाऊ यानी कि बलराम। श्री कृष्ण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उन्हीं के बचपन में उन्हीं के सहयोगी रहे बलराम की कहानी बहुत कम लोगों ने ही सुनी है। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बलराम की कुछ कहानियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। उनके ऐसे कुछ सच हम आपको बताएंगे जिनसे शायद आप आज भी अनजान हैं। चलिए बताते हैं आपको बलराम के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। बता दें आपको, सबसे शक्तिशाली नाग के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, और इन्हीं शक्तिशाली नागों के अवतार माने जाते हैं शेष नाग, और वो थे बलराम। बलराम को शेष नाग का अवतार माना जाता है। बल का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के सर्वोच्च आनंद ले सकता है, और इस आनंद को रमण कहा जाता है। इसीलिए बल राम नाम का निर्माण दो शब्दों से मिलकर किया गया। दूसरा, कहा जाता है कि जब जब भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं, तब सभी देवता भी प्रकट होते हैं। लगभग 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए और कलयुग में भगवान की भक्ति कैसे की जाए इसकी शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु से पहले नित्यानंद का जन्म हुआ था, और नित्यानंद स्वयं उनके ही अवतार थे। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करवाया था, लेकिन विवाह के बाद ही ऐसी कुछ आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने उन दोनों को कारागृह में बंद कर दिया और उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया। सातवें पुत्र बलराम थे, जिसे भगवान विष्णु ने योग माया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार बलराम देवकी के गर्भ में विकसित हुए और उन्होंने रोहिणी के गर्भ से जन्म ले लिया। बलराम के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका विवाह रेवती के साथ हुआ, और कहा जाता है कि रेवती कद में काफ़ी काठी थी, बलराम से अधिक विशाल थी। इसीलिए उन्होंने रेवती को अपने हल से छोटा करके उसके साथ विवाह किया था। भगवान कृष्ण और बलराम द्वारका चले गए थे। तब एक बार बलराम अपने माता पिता और वृंदावन वासियों से मिलने वृंदावन आए थे। सभी लोग उनसे भगवान कृष्ण और उनके विषय में पूछते हुए थक नहीं रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण वृंदावन से जाने के बाद कभी वापस आए नहीं। गोपियां कृष्ण प्रेम के कारण उन्हें याद करके क्रोध से और उनकी लीलाओं को याद करके खुशी के आंसू बहा रही थी। उनकी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए बलराम के भी वश में नहीं था। तब उस समय गोपियों को शांत करने के लिए बलराम ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। तो ये कुछ ऐसे वाक्य थे जिनके बारे में शायद ही कोई जानता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।